हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल शहजादी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप सबका वेलकम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आप सब लोगों से एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ये रेमेडी ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जिनके फेस पर छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं और वो अपनी छाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इलाज करा चुकी हैं लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हैं, आज की रेमेडी उनके लिए है। वो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेमेडी आपके फेस से छाइयों को भी ख़त्म करेगी, आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे होंगे उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगी और साथ साथ हमारे फेस पर जितने भी रैंकल्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करेगी, डार्क भी इम्प्रूव करेगी और हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग देगी। इस रेमेडी को हम नेचुरल घर की चीज़ों से ही तैयार करने वाले हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि हम इसको नेचुरल चीज़ों से तैयार करते हैं। इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ें मौजूद नहीं होती। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, डायमंड स्किन को इम्प्रूव करती हैं, रिंकल्स वगैरह को या हमारे स्किन पर जितने भी पिम्पल्स वगैरह होते हैं उसको भी ये ख़त्म कर देती हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बेसन हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत सदियों से ये चलता आ रहा है। इसको स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसन हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है और जो हमारी स्किन पर एक्नी वगैरह हो जाती है उसको भी ये रिमूव करता है और जो हमारे स्किन पर रिंकल्स वगैरह झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं ये उनको ख़त्म करता है। बेसन हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 टीस्पून हमने बेसन लेना है। नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी आपको पता है ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका हम ऐसी होम रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हल्दी हमारी स्किन से पिंपल्स को ख़त्म करती है या कोई भी एक्नी प्रॉब्लम हो तो ये उसको जड़ से ख़त्म कर देती है और हमारी स्किन को वाइटनिंग देती है। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं लेमन। लेमन दोस्तों हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करता है, स्किन से ब्लैकनेस को ख़त्म करता है। ये लेमन हमारे स्किन पर नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। लेमन में नेचुरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे। आपने लेमन जूस इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। लेमन को स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से आपने खूबसूरत सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इतना ही रखना है आपने। अब हम आपको बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और ड्राई करने के बाद आपने इस पेस्ट का फेस के ऊपर लेप कर लेना है। इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पर इसका लेप करना है। लेप करने के बाद आपने इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही लगा छोड़ देना है।
10 मिनट्स तक ये कुछ ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसको रिमूव करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं और पेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। आपने डायरेक्ट इसको वॉश नहीं करना और ना ही आपने इसको ऐसे ही रिमूव करना है। आपने इसका हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही इस रेमेडी के रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपने इस तरीके से हल्का हल्का रब करते हुए इसको रिमूव करना है। आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट होगी, जितनी भी ब्लैकनेस होगी, ये रेमेडी उसको ख़त्म कर देगी। ये टिप्स उनके लिए है जिनके फेस पर पिंपल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क स्पॉट बन जाते हैं और पिंपल और एक्ने के बहुत ज़्यादा निशानात होते हैं और उनके फेस पर छाइयाँ होती हैं और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर करके उनकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है। ये रेमेडी उनके लिए है ख़ास तौर पर। मसाज करते हुए मैंने इसको कर लिया है रिमूव। अब मैं इसको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद आपको इसके लाइव रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। मैंने हैंड्स को कर लिया अच्छे से वॉश। ये आप पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही इस रेमेडी के रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको इसके बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप भी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2-3 बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। ये रेमेडी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।